आज हम बना लेंगे त्योहारों के लिए स्पेशल नान खटाई, जो काफ़ी झटपट घर पर ही बनकर तैयार हो जाती है, जिसे मैं बताऊंगी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ, जिससे आपकी नान खटाई इस पर बिल्कुल भी ख़राब होने वाली नहीं है। आप इसे बिना ओवन के कढ़ाई में भी काफ़ी अच्छी मार्केट के जैसे घर पर ही बना सकते हैं। इसके लिए आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। चैनल पर नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे प्रोत्साहित करता है मैंने वीडियो अच्छी बनाई। तो अब आगे बढ़ते हैं और रेसिपी की प्रिपरेशन करते हैं। तो मैंने क्या किया है, एक कढ़ाई में जो थोड़ी मोटी पेंदी वाली होती है वैसी कढ़ाई लेनी है। तो आपको थोड़ी मोटी कढ़ाई लेकर उसमें नमक डालकर हाई फ्लेम में गर्म होने के लिए रख देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको एक बाउल में आपको ले लेना है, कोई भी आप माप ले लें, छोटी बड़ी जिस हिसाब से आपको इस तरह से ले लेना है। यहाँ पर मैं एक छोटी सी कटोरी ले रही हूँ जो एक टेबल स्पून के जैसी है। उस कटोरी से मैं चार कटोरी मैदा ले रही हूँ, तीन हुआ, अब मैं चौथा ले रही हूँ। इस तरह मैंने चार कटोरी मैदे ले लिए। उसके बाद एक बड़े चम्मच से मैंने यहाँ पे ले लिया बेसन, और इसी चम्मच के माप से उतना ही हम ले लेंगे सूजी। अगर आप बेसन को स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, पर सूजी आप ज़रूर लें, जिससे नान खटाई काफ़ी क्रिस्पी बनती है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और अब हम एक दूसरा बाउल लेंगे। उसमें अब हमें क्या करना है, हमने जिस कटोरी से मैदा लिया था उसी कटोरी के माप से हमें ले लेना है पीसी हुई चीनी। मतलब चीनी को आपको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना है, इस तरह से वो पाउडर जैसी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, उसी कटोरी का तीन कटोरी के हिसाब से आपको ले लेना है चीनी। चीनी आप अगर चार कटोरी के हिसाब से तीन कटोरी आप चीनी लेते हैं तो आपका जो नान खटाई है एकदम परफेक्ट मीठा बनेगा, ना ही ज़्यादा मीठा और ना ही कम मीठा बनने वाला है। इस तरह आप एकदम मेजरमेंट के साथ बनाएं तो आपका नान खटाई काफ़ी अच्छा भी बनने वाला है। यहाँ देखिए मैंने एकदम चुटकी भर नमक लिया है। नमक दम थोड़ा ही डालें, जिससे क्या होता है मीठा जो होता है वो बैलेंस करने में नमक काफ़ी सहायता करता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे दो चुटकी खाने वाला सोडा भी डाल दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से घी ले लेना है। घी आपका मेल्टेड होना चाहिए और थोड़ा दानेदार रहे तो काफ़ी अच्छा है। और घी को क्या करना है, डालकर इस तरह से फेंटना है जब तक एक अच्छा साइज़ का पेस्ट तैयार ना हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा घी डालते हुए आपको एक डायरेक्शन में घुमाना है, ये काफ़ी क्रीमी जैसी दिखने लगेगी। मतलब आपको लगेगा ये क्रीम है, उस हिसाब से आपको घी डालते हुए आपको एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, जिससे क्या होता है अगर आपने इससे अच्छा से फेंटा तो सारी चीज़ें अच्छे से मिल भी जाती हैं और ये काफ़ी अच्छी भी से फूलती भी है हमारा नान खटाई। इसमें मैंने स्वाद के लिए इलायची पाउडर भी यूज़ किया था। उसके बाद जब इस तरह से आपकी ने फेंट लिया है तो आप क्या करेंगे, हमने जो मैदा सूजी और बेसन रखा था उसे भी डालकर अच्छे से इसे मसलना है, जिससे सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाए, मतलब इसका मोयन अच्छे से हो जाए। तो हाथों से अच्छे से मोयन होता है, तो हाथों से मसलते हुए आपको मोयन कर लेना है। पानी अभी नहीं डालना है हमें, जब तक मसलना है जब तक ये हाथों से कुछ इस तरह से बंधने न लगे। तो आपको अच्छे से मोयन कर लेने के बाद हल्का हल्का पानी डालकर आप छोटे चम्मच ले लें, चम्मच से के हिसाब से पानी डालते हुए इसका मोयन कर लें। पानी ज़्यादा नहीं लगता है, तो आपको ये भी ध्यान देना है कि हम जो डो तैयार कर रहे हैं वो सख्त ना हो, इस तरह से डो तैयार होनी चाहिए, मतलब सॉफ्ट होनी चाहिए, जिससे क्या होता है नान खटाई अच्छे से फूलती है और अच्छी बनती है। उसके बाद हमें कोई भी एक बर्तन ले लेना है और उसमें एक मोटी परत घी की लगा देनी है कुछ इस तरह से, जिससे हमारा नान खटाई बिल्कुल चिपकेगा नहीं। अगर आपने घी ना लगाया हो तो आप एल्युमिनियम फॉइल का भी यूज़ कर सकते हैं, तो भी आपकी नान खटाई काफ़ी आसानी से निकल जाएगी। उसके बाद क्या करना है, हमें हाथों में घी लगाकर गोल गोल इस तरह से टिक्की बना लेनी है और हल्का सा हाथों से चपटा कर देना है। इस तरह हम सारी नान खटाई बना लेंगे। उसके बाद हमने जो प्लेट को ग्रीस किया था उसमें रखते जाएंगे। इसका ध्यान दें कि दो नान खटाई के बीच में करीबन 2 इंच का जगह ज़रूर हो, क्योंकि नान खटाई थोड़ी सी फूलती है, मतलब जगह लेती है। अगर आपने जगह नहीं रखा तो एक दूसरे से चिपक भी सकती है। इस तरह आप थोड़ी थोड़ी दूरी पर सारे नान खटाई को रख दें और उसके ऊपर लगा देना है पिस्ता बादाम, जिसे देखने में काफ़ी अच्छी
लुक आता है। पिस्ता बादाम लगाने से देखिए कितना अच्छा लुक आने लगा। इस तरह सारे नान खटाई पर हम पिस्ता बादाम लगा लेंगे। और क्या करेंगे, हमने जो पहले से नमक गर्म करने के लिए कढ़ाई में रखा था उसे चेक करेंगे। देखिए काफ़ी अच्छे से धुआं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसे इसमें डाल देंगे कोई भी स्टैंड। अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आप कोई कटोरी भी ले सकते हैं, जिससे नान खटाई थोड़ी ऊंची रहे, जिसे जले नहीं और अच्छे से बेक हो जाए। उसके बाद उसके ऊपर हमें नान खटाई का जो प्लेट है उसे रख देना है और ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद मैंने चेक किया तो ये काफ़ी अच्छे से फूल चुकी थी, पर अभी थोड़ी कच्ची लग रही थी, तो मैंने 2 से 3 मिनट के लिए फिर से ढक दिया था। 2 से 3 मिनट के बाद ये काफ़ी अच्छे से पक गई थी। तो आप इसे मीडियम हाई फ्लेम में अच्छे से इसे पकाना है, फ्लेम को स्लो नहीं करना है, मीडियम हाई रखना है, जिससे अच्छे से बेक हो। फ्लेम हाई रहेगा तो बेक भी अच्छे से होगी, और थोड़ा डिस्टेंस ऊंचा रहेगा तो ये जलेगी भी नहीं। देखिए हमारी नान खटाई ने किनारे छोड़ना शुरू कर दिए हैं, पर ऊपर से अभी भी सॉफ्ट लग रही है। इसका मतलब ये नहीं कि ये कच्ची है, ये देखने में ऐसी लग रही है, पर जब ठंडी होगी तो काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी क्रिस्पी भी हो जाएगी। देखिए पीछे से कितना अच्छे बेक हुई है और बिल्कुल मार्केट के जैसी ही बनी है। तो आप नान खटाई को इस बार त्योहारों में घर पर ही क्यों ना बना लें और इन्जॉय करें। तो हो गई ना झटपट तैयार घर पर ही, पूरे मार्केट की जैसी नान खटाई। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। आशा करती हूँ रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय भारत, जय हिंद, थैंक यू।